Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Sylvi. आज हम बहुत सारे important MCQ discuss करेंगे based on agricultural engineering. So be attentive, be not missed. Let's start. So question is for operating rotavator in trancy soil. Okay, यहाँ पे trancy soil दिया गया है. पहले देख लीजिए condition trancy soil. Which lines are better? So, इसका आंसर होगा L-shaped. L-shaped lines better होता है in trancy soil. इतना याद रखिए. T याद रखिए trancy soil. L-shaped L याद रखिए. Okay? TL. Soil strength कौन determine करता है? ये बहुत ही आसान सा सवाल है. Penetrometer, penetration. वैसे आप याद रख सकते हैं soil strength. Okay? Then पावर स्प्रेयर जो ऑपरेट होता है वो किस प्रेशर में ऑपरेट होता है? पावर स्प्रेयर का ऑपरेशन रेंज होता है, वो प्रेशर का रेंज ही होता है 20 to 55. इसको आप ऐसे याद रखेंगे 25 to 50 याद रख लीजिए. ओके, पावर स्प्रेयर के लिए इतना प्रेशर जरूरी है. इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग मीन्स जो छोटे छोटे पार्टिकल में स्प्रे होगा, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में. तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम कम चाहिए, क्योंकि हम छोटे छोटे पार्टिकल में स्प्रे करेंगे तो ज्यादा वॉल्यूम लेने की क्या जरूरत, बहुत ही कम वॉल्यूम हम यूज करेंगे. ओके, ये सैलून शॉप में आपने देखा होगा बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल में आता है, उससे भी छोटा छोटा पार्टिकल में आएगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे. सो इसीलिए लेस देन 1 लीटर लिक्विड काफी होगा. So option A is the right answer. Gears commonly used for fuel injection. देखिए different gears के बारे में हम पढ़ चुके हैं already हमारे part 1 video, part 2 video में, this is part 3 video. So different fuel injection pumps are there. हम जो gear use करते हैं in fuel injection pump उसे बोलते हैं rack and pinion gear. देखिए helical gear, spiral gear, square gear ये already हम discuss कर चुके हैं previous video में. So, इस वीडियो में हम रैक एंड पिनियन गियर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. देन देखिए पावर यहाँ पे पूछा गया है, पावर कितना लगेगा. देखिए दो तरह के पावर होते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर. ओके, देन वाटर हॉर्स पावर. देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों के बारे में डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है. सो हम नेक्स्ट स्लाइड में इस दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे. ये कैसे डिटरमाइन करते हैं देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है देखेंगे, वाटर हॉर्स पावर का फॉर्मूला क्या है देखेंगे, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं उसे भी देखेंगे. So, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, 1 horsepower को पहले आप SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 746 watt. तो पहले SI यूनिट में आप कन्वर्ट कर लीजिए हॉर्स पावर को, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एंड आंसर निकालेंगे. ओके, बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे क्या क्या दिया, देखिए किलोमीटर पर आवर मतलब इतना डिस्टेंस पर टाइम, यहाँ पे दिया गया है स्पीड आप बोल सकते हैं, वेलोसिटी आप बोल सकते हैं, एंगल दिया गया है. ओके, एंड केजी ऑफ पुल दिया गया है. ओके, टेंशन दिया गया है याद रखिए. यहाँ पे देखिए वाटर हॉर्स पावर निकालने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया गया है, यहाँ पे प्रेशर दिया गया है. ओके, मींस केजी मास पर एरिया, तो प्रेशर दिया गया है. सो प्रेशर दिया गया है और टेंशन दिया गया है, इसके साथ वेलोसिटी दिया गया है, तो इस दोनों को यूज करके हम कैसे निकालेंगे वाटर हॉर्स पावर. उसके बाद देखिए परसेंटेज ऑफ व्हील स्लिप अलाउड फॉर स्टील ऑपरेशन ऑफ स्टील, ऑपरेशन ऑफ स्टील के लिए कितना परसेंट व्हील स्लिप ऑप्टिमम आप बोल सकते हैं, जो मतलब होगा तो चले जाएगा ऐसा आप बोल सकते हैं, तो होगा 5 to 10. बहुत ही आसान से याद रखेंगे 5 to 10% ओनली. यहाँ पे याद रखेंगे पावर स्प्रेयर के लिए जो प्रेशर होता है वो 25 to 50 kg/m². लोअर वैल्यू ऑफ ड्रॉ हाई. ओके, देखिए जो ट्रैक्टर में ड्रॉबार होता है, ड्रॉबार के बारे में जस्ट प्रीवियस एमसीक्यू में हम डिस्कस किए थे. तो ड्रॉबार का हाइट अगर कम रहेगा लेंथ के कंपैरिजन में, मींस हाइट टू लेंथ रेशियो अगर कम रहता है तो फिर क्या होगा, तो आप जो वेट ले रहे हैं ना कैरी करके वो लेस कैरी करेंगे. अगर आपको ज्यादा वेट कैरी करना है तभी हाइट ज्यादा रखना है एज कंपेयर टू लेंथ ड्रॉबार का. ओके, ड्रॉबार का हाइट ज्यादा रखना है आज कंपेयर टू लेंथ, अगर ज्यादा वेट लेना है तो. यहाँ पे रोटरी टिलर के बारे में दिया गया है कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए पावर टिलर. पावर टिलर का एक पार्ट, इंटीग्रल पार्ट होता है रोटरी टिलर.
यहाँ पे पीटीओ शाफ्ट होता है, पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट, ये तो सभी में होता है, ट्रैक्टर होगा तो ये तो जरूर आएगा। अभी हमने देखा ना हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर देखा और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर देखा, तो ये सारे के सारे दिया गया है डिटेल में। देखिए टाइप्स ऑफ स्प्रेयर, मैनुअली ऑपरेटेड जो कि हम हैंड में ऑपरेट करते हैं, हैंड सिरिंज हो गया, हैंड स्प्रेयर हो गया, नैपसैक स्प्रेयर जो कि बहुत ही फेमस है, सभी एग्रीकल्चरल फार्मर्स इसको यूज करते हैं। ओके, बकेट स्प्रेयर, रकर स्प्रेयर, ओके, पावर ऑपरेटेड, पावर ऑपरेटेड थोड़ा सा कॉस्टली है पर ये बहुत ही ज्यादा एफिशियंट है, जैसे कि स्ट्रेचर स्प्रेयर, पावर टेकऑफ स्प्रेयर, ट्रैक्शन स्प्रेयर, मिस्ट ब्लोअर स्प्रेयर, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे। फुट स्प्रेयर और पैडल पंप, देखिए ये स्प्रेयर का कुछ बेसिक पार्ट है पर मैं आपको बता देता हूँ, नैपसैक स्प्रेयर बहुत ही ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है रिलेटेड टू नैपसैक स्प्रेयर, ये जो सी वाला नैपसैक स्प्रेयर, सो इसके डिटेल में थोड़ा सा जानना जरूरी है, जैसे कि नोजल कहाँ पे है, ओके, डिलीवरी ट्यूब कौन सा है, टैंक कौन है, एजिटेटर तो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, डिटेल में जानेंगे नैपसैक स्प्रेयर के बारे में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है नैपसैक स्प्रेयर के बारे में, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या क्या फीचर होता है नैपसैक स्प्रेयर के, यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, हाई प्रेशर विथ लेस एफर्ट, ओके, हाई प्रेशर विथ लेस एफर्ट, बहुत ही लाइट इन्वर्ट है, इसको आप बैग में कैरी कर सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। इकोनॉमिकल भी है, हाई वर्क रेट, इकोनॉमिकल इसलिए ये हैंड ऑपरेटेड है, ओके, इसीलिए, और ये बहुत सारे लिखा गया है। जो फ्यूल इंजेक्शन टैंक है ना, फ्यूल इंजेक्शन टैंक में रैक एंड पिनियन गियर, ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है। देखिए ये होता है पिनियन, जहां पे इनपुट दिया जाता है, क्रैंक ये होता है, रैक होता है आउटपुट, तो रैक होता है आउटपुट, ये याद रखेंगे, रैक होता है आउटपुट और पिनियन होता है इनपुट, पिनियन में आईएन हो ना तो इनपुट। देखिए ब्रेक हॉर्स पावर और वाटर हॉर्स पावर के बारे में, जैसे कि मैंने बोला ब्रेक हॉर्स पावर, ये है वाटर हॉर्स पावर का पावर, देख लीजिए वाटर हॉर्स पावर पहले क्यू रहेगा, जो कि फ्लो, जो कि पर मिनट कितना फ्लो होता है वो होता है, ओके। देखिए इसमें यूनिट सारे के सारे चेंज है, मैंने आपको पहले ही बता चुका, वन हॉर्स पावर को पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए वाट में, 746 मल्टीप्लाई करके आप पहले उसको वाट में कन्वर्ट कर लीजिए और सिर्फ फॉर्मूला डालिए, ये जो यूनिट है ये 33,000, ये सब देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इजीली सॉल्व कीजिए, जैसे कि वाटर हॉर्स पावर का फॉर्मूला है QH डिवाइडेड बाय 3960, QH ओनली यूज कीजिए, Q फॉर फ्लो, दैट इज दिस मच अमाउंट इट फ्लोज पर मिनट, एंड H फॉर हाइट। सो ये होता है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला वाटर हॉर्स पावर का। तो ब्रेक हॉर्स पावर में वाटर हॉर्स पावर एक पार्ट होता है, सो ब्रेक हॉर्स पावर ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं, वाटर हॉर्स पावर ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूला है, आपको सिर्फ आपको किस किस को मल्टीप्लाई करके हम निकाल रहे हैं इसे याद रखना है, डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, ओके। जो कि मैंने बताया ड्रॉ बार का हाइट ज्यादा होना चाहिए लेंथ से, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वेट कैरी कर सके, सो ड्रॉ बार ये होता है एक्चुअली ड्रॉ बार, ओके, ड्रॉ करके ले जा रहा है, ट्रैक्टर के पीछे होता है ना, ये होता है ड्रॉ बार। तो ड्रॉ बार सेफ्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत सारे इंसिडेंट होने का चांसेस है, तो यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या क्या सेफ्टी फीचर्स। पीटीओ को एडजस्ट करना पड़ता है 2.3 इंच, ओके, एनी अदर पार्ट में आपको हिचिंग नहीं देना है, आइदर 2 इंच और 3 इंच, ओके, और ओनली अटैच टू ड्रॉबार और किसी भी जगह पे अटैच नहीं होना है। रेजिंग हाइट ऑफ बार एक्सेसिवली कैन कॉज ओवरटर्न, इसको याद रखेंगे, ओके। इन्फ्लेशन प्रेशर दिया गया है, रियर फ्यूल ट्रैक्टर का इन्फ्लेशन प्रेशर कितना है, ओके, सो यू ट्राई टू आंसर, इसका आंसर बहुत ही कम होगा, ओके, केजी मतलब वेट बहुत ही लेस होगा, तो आप 0.8 to 1.2 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ जा सकते हैं, पर आप याद रखिए, 1 याद रखिए यूनिट, 1 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एवरेज, ओके, इन्फ्लेशन प्रेशर इन रियर व्हील, ओके, रियर व्हील की बात कर रहे हैं। टर्बो चार्जेस आर डिफाइंड बाय, जो टर्बो चार्जेस है ना वो गैस जो रिलीज होता है ना इंजिन से, वही एग्जॉस्ट गैस
एक्चुअली टर्बो चार्जेस को ड्रिविन करता है, याद रखने ओके। टर्बो चार्जेस इंप्लाइज एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम इंजिन ओके। पिस्टन रिंग कितना नंबर का होता है, मतलब कितना होता है पिस्टन रिंग ओके पिस्टन पे। सो याद रखेंगे एवरेज 5। क्या क्या याद रखा है, इन्फ्लेशन प्रेशर रियर व्हील में 1, नंबर ऑफ पिस्टन रिंग ऑन पिस्टन एवरेज 5, और कंप्रेशन प्रेशर ऑफ पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर का एवरेज होगा नियरली 5 to 6-7 लाइक दैट ओके। तो आप इतना याद रखिए 6 to 10 ओके, अप टू 10 याद रखिए, अप टू 10। यहाँ पे 100 to 200 यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डीजल इंजन का बात कर रहे हैं, यहाँ पे पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं। पेट्रोल इंजन 10, डीजल इंजन 100, ये याद रखिए आपको आ जाएगा सब। रिलायबिलिटी देखिए, ये बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल है, रिलायबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर। अगर ट्रैक्टर का या फिर कैरियर का या फिर जो फर्टिलाइजर शो कर रहा है, जो फर्टिलाइजर दे रहा है, तो उसका अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो रिलायबिलिटी तो कम जाएगा ना, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तभी टाइम नहीं मिलेगा, अच्छा टाइम नहीं मिलेगा रिलायबिलिटी होने के लिए फर्टिलाइजर को, अच्छा डिलीवरी नहीं हो पाएगा, डेप्थ में फर्टिलाइजर नहीं जा पाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर स्लो मोशन में जाता है तो बहुत ही डेप्थ तक फर्टिलाइजर जा सकता है, डिलीवरी अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिलीवरी। डिस्टेंस ऑफ ए एमबी प्लाउ देखिए, यह पे पूछा गया है सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए एमबी प्लाउ लाइज एट ए डिस्टेंस इक्वल टू, जो रेजिस्टेंस का सेंटर होता है ना एमबी प्लाव का, वो होता है 3/4 ऑफ द साइज ऑफ द प्लाव फ्रॉम द शेयर विंग। देखिए एमबी प्लाव का पूरा एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हम एमसीक्यू 1 में डिस्कस किए थे, सो उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा शेयर विंग क्या है। 3/4 ओके, 3/4 द साइज ऑफ द प्लाव फ्रॉम द शेयर विंग मतलब क्या है, सिर्फ इतना 3/4 याद रखिए सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। Improved uniformity is obtained if seed tube is inclined. देखिए, seed show करने के लिए seed tube को incline करना पड़ता है, okay, rearward. तो वो जो incline हम करते हैं ताकि seed अच्छे से show हो पाए, uniformity show कर सके, इसीलिए हम seed tube को incline करते हैं। So कितना होना चाहिए inclination? कितना degree होना चाहिए? 15 to 30 degree, बहुत ही आसान सा सवाल था। Then कंप्रेशन प्रेशर ऑफ डीजल इंजन, देखिए तीनों चीज, तीनों के तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। पहले तो कंप्रेशन प्रेशर ऑफ पेट्रोल इंजन, वो होता है अप टू 10, 6 to 10 आप बोल सकते हैं, 6 to 10 होता है। देन इंजेक्शन प्रेशर ऑफ डीजल इंजन, दैट इज 100 to 200। पर यहां पे पूछा गया है कंप्रेशन प्रेशर इन डीजल इंजन, सो यहां पे पेट्रोल इंजन का अप टू 10 था, सो यहां पे होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 10, फ्रॉम 10 टू 20, अप टू 10 पेट्रोल इंजन, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 डीजल इंजन। नोजल स्पेसिंग ऑन द बूम इन द पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर, अभी हमने देखा पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर का पिक्चर कैसा दिखता है, सो पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर का नोजल स्पेसिंग वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोथ स्प्रे एंगल पे डिपेंड करता है, यस डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द बूम के ऊपर डिपेंड करता है, यस डिपेंड करता है, डायमीटर ऑफ स्प्रे पैटर्न, यस डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर। साइज ऑफ द टायर, टायर का साइज हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, टायर का साइज हम सेक्शनल विड्थ इनटू रिम डायमीटर को मल्टीप्लाई करके हम डिसाइड करते हैं टायर का साइज। तो ये क्या होता है सेक्शनल विड्थ, क्या होता है रिम डायमीटर, क्या होता है, हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल में, पिक्टोरियल मेमोरी अवेलेबल है नेक्स्ट स्लाइड पे। गियर्स, ट्रांसमिशन बॉक्स के लिए कौन सा गियर हम यूज करते हैं, ट्रांसमिशन बॉक्स के लिए हम हेलिकल एंड स्फीयर गियर्स यूज करते हैं ओके। लेंथ ऑफ कटर बार, कटर बार का लेंथ कितना होना चाहिए इन ए मावर में ओके, ट्रैक्टर ऑपरेटेड मावर में, और आप बोल सकते हैं वर्टिकल कन्वेयर रिपर में कटर बार का लेंथ कितना होना चाहिए, याद रख लीजिए 1.5 टू 3 मीटर। बट 15 टू 30 डिग्री एंगल होता है सीट ट्यूब में, वर्टिकल एंगल,
वर्टिकली प्लेस करते हैं हम इसे, और ये 1.5 to 3। सेक्शनल विड्थ इनटू रिम डायमीटर, ओके वही होता है साइज ऑफ द टायर। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे अच्छे से आप अगर नोट करेंगे, रिम डायमीटर होता है इतना, इतना सा रिम है ना, तो ये होता है रिम डायमीटर। ओके अभी सेक्शनल हाइट देख लीजिए, सेक्शनल हाइट होता है ये वाला, इतना सा पोर्शन होता है सेक्शनल हाइट। उसके बाद आउटर डायमीटर मतलब होल टोटल, मतलब रिम डायमीटर प्लस सेक्शनल हाइट होता है आउटर डायमीटर, एंड ये होता है टायर विड्थ। तो आप याद रखेंगे साइज ऑफ द टायर इज इक्वल टू सेक्शनल विड्थ इनटू रिम डायमीटर। सेक्शनल विड्थ मतलब टायर विड्थ यहाँ पे दिया गया है। हेलिकल गियर ऐसा दिखता है, हेलिकली आप देख सकते हैं, ओके यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। सो दिस इज आवर एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक and subscribe this channel so that you will get more videos in time.